नाजरीन कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मैं जान की टूटी छोटी छोटी एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। अच्छा यार, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं दो तकिए के बगैर नहीं सो सकती। यहाँ पे रखती हूँ और सोती हूँ, क्या करूँ? और मेरा जो है यहाँ से दर्द निकला है शदीद वाला। क्या करूँ, एक तकिए पे नींद नहीं आती, मैं फिर दो तकिए रखती हूँ फिर मुझे नींद आती है, सुकून आता है। और जो है अभी जो गर्मी और गर्म ठंडा अजीब सा कुछ मौसम है ना, एसी में सर्दी भी लगती है और फिर अगर एसी बंद कर दो तो फिर हब्स होती है, दम घुटता है। अब मैं जो है तकिए दो रखती हूँ और जो मेरी हालत होती है ना उसके बाद मैं बता नहीं सकती, बहुत गिल्टी सी बनी हुई है यहाँ पे और शदीद दर्द हो रही है। क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पेन किलर खाइए, अब सुकून आया थोड़ा सा। खैर, अपना जो है रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। नीनू का जो स्टेटमेंट है उसको जो है सर्टिफिकेशन है, क्या कहते हैं यार अंग्रेज़ी में, तो भाई काफ़ी लोग जो हैं इससे नाराज़ हुए कि ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है बड़ी बकवास दी है, हमें समझ नहीं आई ये क्या बात है। आप आएँ और कहें मैं तो चैनल छोड़ के जा रही हूँ, हम ट्रोलिंग होती है, तो भाई ट्रोलिंग आप खुद करवाते हैं, आप लोग खुद ही इस तरह की बातें करते हैं तो ट्रोलिंग तो होनी ही होनी है। लोगों के मुंह में खुद ही आप लोग बातें डालते हैं तो लोगों ने सवाल भी करने हैं, जवाब भी करने हैं और बातें भी करनी हैं, तो आप जो है अपने आप को ऐसे बचा के नहीं जा सकती जी। इनकी स्टेटमेंट को रॉन्ग करार दिया है काफ़ी सारे रिएक्शनिस्ट ने और सवाल पूछे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे जो है तुम्हारी प्यारी खाला राजदुल्लारी के बारे में बोला जा रहा है और तुम जो हो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही, उसको तुम कन्फ्रंट नहीं कर रही, उसको बोल ही नहीं रही कि क्यों आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो यहाँ पे आप झूठी करार पाई हैं और आप गेम प्लान कर गई हैं और जनाब आगे भी तुमने वॉइस मैसेज भेज दिया और उस बंदे का भी नाम नहीं बता रही कि वो कौन है, किसको। भाई उसने पहले जब वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले तो उसने अपनी खाला का इशारा दिया था, आप लोग भूल गए हैं? इसका रिएक्शन मुझे याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हम याद है ज़रा ज़रा। तो इसने ना हंसते हुए, इस बार भी हंसते हुए बोला है और पिछली दफ़ा भी हंसते हुए बोला है कि वो हमारी अपनी बहुत अपनी अजीज़ हैं, उनको बहुत प्यारी हैं, रिस्पेक्टेड हैं, उसको दी है, तो ये इसने उनको दी है। और आगे जो है वो या तो उसने सुनी नहीं है या फिर वो जैसे मैं मिस्टेक कर सकती हूँ, मेरे से पहली बार में मैं नहीं पकड़ पाई इस बात को, हो सकता है वो भी ना पकड़ पाई हो, मैं भी तो सरायकी हूँ ना इनकी और हमारी सरायकी सेम है, वरना मुल्तान की, मुजफ्फरगढ़ की, डीजी खान की सरायकी थोड़ी सी अलग है, तो जो भावलपुर वाली सरायकी है वो हमारी तकरीबन एक जैसी सेम हमारी सरायकी है, ये जो सितारा बोलती है ना, ये सितारा की और हमारी सेम सरायकी है, हम सेम बोलते हैं, एक ही लाइन की है वो, तो यहाँ मुल्तान की सरायकी थोड़ी सी डिफरेंट है और फिर इसके बाद अलग अलग से जो यहाँ पे पंजाब के इलाके हैं उनकी फिर अलग अलग थोड़ी सी त्रेमत कहते हैं औरत को। मैं आपको बता दूं कि इतना फ़र्क है, हम औरत कहते हैं या जनानी कह ली, औरत कह ली है, मई कह ली, तो वो जो डीजी खान है या मुजफ्फरगढ़ है तो वहाँ पे कहते हैं त्रेमती आया हो या हैं त्रेमती। और यार बीवी को क्या बोलते थे, बीवी को भी कुछ बोलते हैं, कुंवार तो हम बोलते हैं, जाल भी बोलते हैं हम, है वो कुछ और ही बोलते हैं उस साइड पे, डीजी खान वाली साइड पे। खैर यहाँ पे जो है ये हो सकता है इनसे भी हो गई हो मिस्टेक भाई, लेकिन इन्होंने अपने सपोर्टर्स में बांट दी थी और काफ़ी लोग रिएक्शन जो बना रहे हैं उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास बहुत पहले से वॉइस थी। अच्छा यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है बड़ी के लिए कि बड़ी क्यों खामोश हैं, बड़ी ने क्यों खामोशी जो है अख्तियार की हुई है और उसने अपने लिए एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा अपने बारे में सुन के क्यों चुप हो गई हैं, वरना तो वो जल्दी बड़ी बहुत जल्दी आ जाती हैं, अब बड़ी करे ना केस करे और कहे कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा है जो कि नीनू ने एक्सपोज किया है और नीनू ने जो है वो रिकॉर्ड भी किया है, तो उसके बारे में अब क्या ख्याल है। सितारा को तो बहुत जल्द आ गए थे बोलने के लिए और काफ़ी लोग सवाल भी उठाते थे, तो आप इन पे भी करें ना सवाल, इन पे भी जो है अब करें ना फिर केस, सितारा को तो सारे कहते थे केस करें, अब ये भी करें केस और फिर अपने से इल्ज़ाम हटवाए, ये इतनी बड़ी बात हो गई जनाब।
जवाब, और कहा कि ये जुर्म किया है, इन्होंने एक्सपोज किया है, बड़ी की बदनामी हुई है, उनकी इज्जत पे बात आई है, दोनों बहनों पे इल्ज़ाम इस बंदी ने ही लगवाया है, बीच में हमेशा यही आई है, और एंड पे मासूम हो के साइड पे हो जाती है, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, जब जब नीनू पे बात आई है ना, हमेशा इस बंदी ने यही वाले अल्फाज बोले हैं, कहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, रोने लग जाना, फिर वो गालियाँ पढ़वाना, फिर इस तरह से बिहेवियर करती थी। लेकिन अभी थोड़ी सी हल्की सी चेंज हुई है, वरना ये फौरन आके यहाँ पे रोला डाल देना और प्लानिंग प्लॉटिंग पता नहीं क्या कुछ करते रहना, इस तरह से चीज़ें करती थी। खैर, कहा जा रहा है कि इनके जो है बीच में, दोनों बहनों के बीच में इसी बंदी का हाथ है, दोनों को बुरा बुलवाने और कहलवाने में इसी के थ्रू ही जो भी होता है, इसी के थ्रू होता है। तो खैर, उसके बाद जो है नीनू जो है और आके बोल देती है कि मैं तो मासूम हूँ, मैं जनाब जो है बच्ची हूँ, अजीब मतलब ये बातें करती है और कहती है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, पता नहीं किसने किया है, मेरी यादाश्त कमज़ोर है, मुझे पता ही नहीं है कौन बोला था, कैसे बोला था, तो पता नहीं किसने मेरे मोबाइल से ये चीज़ें निकाल ली हैं, इस तरह की बातें करती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये भी बड़ी पे सवाल उठाए गए, कहा गया कि बच्ची गुम होने पे तो बड़े एक्सप्लेनेशन देने आ गई थी, क्या आप लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को सवाइयाँ देने आऊँगी, ये बोला था बड़ी ने, पिछले दिनों की बात है, अभी महीना भी शायद नहीं हुआ जब उन्होंने थंबनेल लगाया था, तो लोगों ने जो है ट्रोल किया था कि तुम्हारे हाथ में कैमरा था, तुम वो वाली तुम्हारी फीलिंग ही नहीं थी कि हाय मेरी बच्ची गुम हो गई, ये वाली तुम्हारी फीलिंग नहीं थी, तो अब जो है तुम एक्सप्लेन, इतना बड़ा इल्ज़ाम तुम पे आ गया, इतनी बड़ी बात हो गई है तुम पे, तो तुम लोग नहीं आए मियाँ बीवी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए या अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जब बच्ची गुम हुई थी तो आप फौरन आ गई थी कि भाई मेरे व्यूज़ कम ना हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर कम ना हो जाए, तो मैं जो है फ़ौरन से शटअप कॉल पब्लिक को देने आई थी कि मैं आप लोगों को हर हर छोटी छोटी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दूँ, आप लोग सवाल उठा रहे हैं मेरे पे, आप कैसे हो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बड़ा गुस्से में आके बोली थी। तो बात सुने, वीडियो उन्होंने बनाई है, वीडियो उन्होंने बनाई है, उन्होंने एक मैसेज ही तकरीबन दिया है, और उसमें दबा दबा के वो अल्फाज, वीडियो वो मुझे अच्छी लगी है, वीडियो जो उन्होंने एक वो हिस्टोरिकल टाइप कुछ कहेंगे क्या कहेंगे वो इन्होंने दिखाई है कि दुनिया कैसे शुरू हुई, ये सऊदी अरब में मैन्यूमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें जो है कोई एक वो किया गया बनाया गया, तो उसमें सारा कुछ वो बता रहे होते हैं, दुनिया कैसे शुरू हुई, फिर हम किस अभी किस जगह पे हैं, हम लोग कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कौन सी सदी चल रही है, किस मुकाम पे हैं, फिर उसके बाद क्या मतलब जो प्रोसेस हैं ज़िंदगी के, दुनिया के, वो कैसे चल रहे होंगे, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं दुनिया में, मतलब कुछ पैदा हो रहे हैं, कुछ इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, और जो है किसी की ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो रही है, किसी की कम, मतलब वो चल रही है दुनिया, किसी के आने आने से ना जो है वक्त नहीं रुकता, ना टाइम रुकता है, लेकिन मुसलसल जो है चल रही है ज़िंदगी, और वो फिर क़यामत तक का भी मंजर दिखाया, सूर फूंका हुआ वो भी दिखाया, फिर एंड पे वो बार बार दबा दबा के अल्फाज जो बोल रही हैं, आप लोगों ने गौर ही नहीं किया कि वो बोल क्या रही हैं, वो कह रही हैं देखें जी मौत आनी है, मौत बरहक है, देखें जी हम जो है बस अल्लाह करें तौबा करें, देखें जी हम ऐसे करें वैसे करें, मतलब वो नहीं है उनके पास जवाब, पहले भी जब लोगों ने सवाल 6 महीने पहले उठाए थे तो इन्होंने बात को दबा दिया था, वो बोल नहीं पा रहे थे खुल खुला के, वो मतलब अपसेट से अजीब से कुछ उनकी सिचुएशन हो गई थी, एक दिन नंद को खाना खिला के, दूसरी बार वो अकेली वहाँ पर उनके घर आई, एक दो दिन रहीं, वो पब्लिक को दिखाया इन्होंने वीडियो बनाई कि देखें देखें हमारा आना जाना है, लेकिन काफ़ी लोगों ने चीज़ों को गौर भी किया। खैर, इसके बाद जो है तो ये रगड़ रगड़ के वो अल्फाज ज़रूर बोल रही हैं और कह रही हैं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा मतलब वो कर रही हैं कि देखें जी ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तो हम लोगों ने भाई दुनिया फ़ानी है, हमने क्या लेके जाना है, लड़ झगड़ के क्या करना है, इल्ज़ाम लगा के क्या करना है, तो आपने नहीं लगाना था, सब्र की बातें आप करती हैं तो सब्र आप कर लेती हैं, आप किसी को बदनाम ना करती, आज घूम फिर के आप पे ना आता। अच्छा जी, उसने सिस्टर्स जो है वो कह रही हैं कि एक प्लान अल्लाह का, एक प्लान इंसान बनाता है दूसरों के लिए, एक प्लान अल्लाह का होता है, कहीं ये तो नहीं हो गया कि जो गढ़े आप लोगों ने सितारा के लिए मतलब खोदे थे वो आप लोग खुद उसमें जा गिरे हो, आप लोग खुद ही उसमें गिर गए,
गढ़ा तैयार किया था ना बदनाम करने का, और उस गढ़े में आप खुद ही गिर गए हो, ऐसे ही है ना। खैर उसके बाद जो है इन्होंने कहा अपनी वीडियो आपने जो बनाई है और जो है ये जो आप अपने आप को जस्टिफाई कर रही हैं या स्टेटमेंट दे रही हैं, ये ज़ीरो है, ज़ीरो। आप इस गंदी कंट्रोवर्सी का मेन पार्ट रही हैं, आप खुद भी तो बहुत ज़्यादा इसमें ट्रोल हुई हैं ना, तो आप एक्सप्लेन करें ना चीज़ों को, आप क्यों हुई हैं ट्रोल, आपके चैनल ख़त्म क्यों हुए, व्यूज़ ख़त्म क्यों हुए, आप लोगों को तो इनाम मिला करते थे, पब्लिक की तरफ से प्यार मिला करता था, गिफ्ट आया करते थे, पार्सल आया करते थे और बहुत कुछ, इसमें आपका बड़ा नुकसान हुआ है। आप बंदे का नाम क्यों नहीं रिवील करती, कौन है वो, किसको दी थी ये वॉइस और जो जिसने जो है बाहर लीक कर दी, आप क्यों बचा रही हैं उनको। हाँ इसलिए बचा रही हैं क्योंकि आपने वहाँ जाना है, जैसे कि बाबा जी का व्लॉग आया था और बाबा जी ने बोला था कि नीनू आ रही हैं, इसने जाना है तो इसलिए बात को घुमा दिया, लेकिन ये गेम तो खेल गई हैं। कहते हैं एक तीर से दो शिकार, तो जो जिस बंदी ने ये वॉइस लीक की थी, अच्छा काफ़ी लोग कहते हैं हमें नाम बताओ नाम बताओ, यार मैंने बताया अपने ब्लॉग में नाम बताया, अब आपको नहीं मिल रहा चैनल में क्या कह सकती हूँ। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और है भी सराइकी में वो वीडियो, वो बंदा उसका वीडियो बना रहा है और नाना जो है सितारा से बात कर रही है, ऐसे फिर भी रही है, घूम रही है और बात भी कर रही है, और सितारा जो है फुल गुस्से में है और सितारा को नहीं है पता कि ये वीडियो बन रही है, क्योंकि वो ठेठ किस्म से सराइकी बोल रही हैं और वो रो रही हैं मुसलसल और कह रही हैं तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा यहाँ ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसने अपने आप को क्यों नहीं बताया, क्यों वो बोल नहीं रही, वो बोल नहीं रही, वो कहती है तुम लोगों का कख नहीं बचना, मैंने तुम लोगों का क्या किया है, तुम लोगों का कख नहीं बचना। अगर मैं हेटर सपोर्टर जो बने हुए हैं उनको मैं बातें बता दूं आप लोगों की, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप लोगों ने मुझे जलील कर दिया, ये बातें कर रही है वो, और फिर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई उसने तो अपने आप को जो है सेफ नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, वो वाज़े तौर पर सितारा जवाब दे रही है, वाजे तौर पे उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और कह रही है, अपने लिए आवाज़ उठा रही है कि आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं भी कुरान उठा उठा के बस दुआएं दूंगी, आप लोग जो ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हो या ये जो हरकतें तुम लोग कर रहे हो ना अल्लाह पूछेगा। और देखे फिर वही वॉइस आ गई, वही वॉइस आ गई, वो उस टाइम पता नहीं कितनी दुखी थी कि आज देखो वही वॉइस जो है जो इन्होंने उसको या हमारी सपोर्टर सिस्टर्स को जलील करने के लिए, या सितारा का जो है वो इन्होंने टाइटल यही लिखाया था कि सितारा जो है ये देखें इसकी ज़ुबान सुने, तो सितारा की अब भी फिर सुन लें, वो असल बात ही यही कह रही थी कि तुम लोगों ने मुझे जलील कर दिया, बर्बाद कर दिया। जी जो किसी के लिए गड़े खोदता है तो उसमें खुद ही गिरता है। अच्छा जी अब हम बात करेंगे सितारा जी के व्लॉग की, और हॉरर व्लॉग बनाया उन्होंने, लोगों ने फिर रिजेक्ट किया तकरीबन, और कुछ लोगों ने प्यार भी दिया, काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे थे यार ये प्रैंक नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ ये प्रैंक नहीं करना चाहिए था। अरे मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई उन्होंने ऐसा क्या दिखा दिया है, वो अनीता और रमज़ान के बारे में जो कह रहे थे कि वो सोए हुए थे, अरे भाई कंबल लिया हुआ था, फिर क्या हस्बैंड वाइफ हैं, और वो प्रैंक ऐसा था कि वो डराना था, और वो अनीता का कोई फेस या कोई इस तरह से एडी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं बुलेटी हुई थी, तो मुझे ये समझ नहीं आया। खैर लोगों ने यह एतराज़ किया कि ये सारी रात के जागे हुए और इन्होंने जो है इस तरह से प्रैंक क्यों किया, तो सुबह के मतलब रात के 3 बजे से सुबह हो गई थी तो ये प्रैंक नहीं करना चाहिए था, मतलब भाई वो डराने वाला प्रैंक था तो फिर जाहिर सी बातें रात को ही करते हैं, सिस्ट्रियालॉजी हो गई या डक्की हो गया, तो भाई बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जाहिर सी बात है वो देखते हैं और उसको वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सितारा ने पहले भी बोला कि यार इस तरह के प्रैंक वीडियो बन रहे हैं तो मैंने भी सोचा मैं भी बनाऊं, लेकिन पब्लिक जो है उनकी वो कहती है नहीं हम प्रैंक वाली वीडियो नहीं देखेंगे, आपके कॉन्टेंट जो बनाती हैं जैसे मलका वाला हो गया, जैसे इंग्लिश वाला हो गया, उस टाइप के बनाएं या फिर अपने व्लॉग दिखाएं तो फिर हम देखेंगे। खैर सितारा साजिद और सितारा और कौसर जनाब एक साथ हमें एक ही घर में एक छत तले नज़र आए, और जनाब उसके बाद जो है मिल्क शेक वगैरह से जो है सुबह का आगाज़ हमें नज़र आया, या शाम थी या सुबह थी ये भी एतराज़ किया जा रहा है कि आप शाम को ब्लॉग बनाती हैं, और उसके बाद जो है हमें ये दिखाया गया कि भाई सुबह सुबह का टाइम है और मिल्क शेक पिया जा रहा है उठने के बाद, सितारा ने बताया, और उसके बाद जो है
इब्राहिम को जो है वो साथ में लिया और खेल रही थी, बातचीत कर रही थी, लेकिन मुझे वो शाम का पार्ट लगा कि वो शाम का ठंडे टाइम का है, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल नहीं निकला जाता। इस तरह की शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं, लेकिन वो ठंडा टाइम था जब वो इब्राहिम को लेके दरवाजे के बाहर गई। साजिद था बाहर, बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, और फिर साजिद को पकड़ाया कि आप लोग भी खेलें, आपस में बातचीत करें। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहा गया कि प्री प्लान जो है सितारा को जो है, हाँ प्री प्लान जो है कौसर को लाया गया, प्री प्लान जो है सितारा ने कौसर को बुलाया ताकि सितारा को व्यूज़ आए। तो अभी इसमें भी तो कौसर थी ना, तो फिर क्यों नहीं आ रहे व्यूज़, आने चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस चीज़ के पीछे क्यों पड़ गए कि कौसर को प्री प्लान बुलाया गया कि व्यूज़ आए। तो वो मेहमान तो ऐसी बात इतना है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मेहमान अगर आए हुए हैं, जो खाना सितारा के घर से बन के जा रहा है, चलो रात को कौसर घर आ जाएँ, इधर आ जाएँ सोएँ, लेकिन दिन को खाना शाना बना के दे दिया करें, लेकिन उससे काम ये लोग बिल्कुल कहते हैं नहीं करवाते। मतलब ये वहाँ पे उनके साथ रहें, उनको खाना शाना बना के दें, चाय शाय बना के दें, क्योंकि उन्हीं के घर वो रह रहे हैं मेहमान, तो जो है इनको खाना शाना बना के देना चाहिए। तो यहाँ पे सितारा के यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है काफ़ी सारी और भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो ये इन्होंने कपड़ों का जो है वो व्यूज़ कमाए कपड़े शॉपिंग करके बाहर के जाने के लिए। फिर ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बेटे का ऑपरेट का भी इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया और उसके बाद इन्होंने व्यूज़ कमाए। खुदा का वास्ता है, बच्चे के लिए तो ऐसा ना सोचें, वो रियल में एक वाकया हुआ है और बच्चा तकलीफ में था, सारा कुछ नज़र नहीं आया आप लोगों को। मैं हैरान हूँ कि भाई कहते हैं ये भी प्लान था, तो अजीब ये प्लान, मतलब जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं तो मुझे सुन के ही बड़ा हैरत हो रही है कि हैं ऐसे भी हो सकता है। वो उनके व्लॉग ही नहीं आए थे, वो ऑलरेडी अपसेट थे वो लोग, और उनके व्लॉग आना बंद हो गए थे, बच्चे की टेंशन में थे, बच्चा बड़ा है और जिनके ऊपर गुजर रही होती है जाहिर सी बात है वो लोग जानते हैं। तो खैर, यहाँ पे ये इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि भाई ये बाहर जाना था, ट्रिप पे जाना था, लेकिन इन्होंने सिर्फ कपड़े शॉपिंग और इस तरह से जो है ये व्यूज़ इनके नाम के ले लिए हैं, लेकिन अब ये और बात उसके बाद ये दब गई है, ये जा नहीं रहे। आई थिंक मुझे लगता है बच्चे को बिल्कुल ठीक करके फिर ही शायद ये भेजे डॉक्टर जैसे कहेगा। उसके बाद जनाब जो है मार्केट गए ये लोग और वहाँ से जो है मास्क खरीदे। रमज़ान के साथ सितारा ने, कौसर और साजिद जो है गाड़ी में बैठे थे और ये लोग वहाँ पे ही प्लान बना के आए कि हम लोग प्लान बनाते हैं, हम प्रैंक करेंगे और जनाब उसके बाद जो है हम इनको डराएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है कौसर और साजिद भी गाड़ी में बैठे हुए नज़र आए और उसके बाद मास्क वगैरह तो उन्होंने नहीं शो कराए, पहले घर आके मुस्तफ़ा को ज़रूर दिखाया है और जो है मतलब कि बेटा हम ऐसे ऐसे प्लान करेंगे। और उसके बाद जो है ये लोग गए शानी औरों को मिलने और वापसी पर आ गए, मतलब वहाँ से उनको थोड़ा सा टाइम दिया, मेहमानों को मिले, बातचीत की, हेलो हाय की, फिर वापस आ गए और वापसी पे वही मुस्तफ़ा को और जो है आयत और तैयबा से छुपा लिया, क्योंकि वो बच्चे हैं या तो डर जाएंगे या फिर बता देंगे, तो उनको तो शामिल नहीं किया, लेकिन मुस्तफ़ा को ज़रूर दिखाया कि हम लोग आज रात प्लान करेंगे और सबको डराएंगे। और फिर जनाब रात को जो है सितारा ने बताया कि अभी मैं प्रैंक करना है, मैंने दिन हो गया तो दिन को मज़ा नहीं आएगा, मैंने रात को ही प्रैंक करना है। और जनाब साजिद को जाके डराने लगी, लेकिन प्लान फ्लॉप हो गया। पहले थोड़ा सा डरा है वैसे, ऐसे आँख जब खुलती है ना अचानक किसी की शक्ल देखो उस टाइम वो डरा ज़रूर है, थोड़ा सा रिएक्ट किया है, उसके बाद फिर हाथ झटक दिया, लेकिन वो तैयार होके गई थी, कौसर को बता के गई थी, कौसर को जब वो किचन में थी सितारा के, भाई मैं डराने जा रही हूँ या तो मुझे लगेगा थप्पड़ है, डर के मारे अक्सर नींद में बंदा होता है डरता है तो फौरन हाथ मारता है, तो मुझे या तो थप्पड़ लगेगा या फिर मैं कामयाब हो जाऊँगी डराने में, या फिर वो डरेगा ही नहीं, हमेशा कहता रहता है मैं नहीं डरता। तो मैंने तुम्हें भी वैसे डराना था तुम क्या डर जाओगी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं डर जाऊँगी, उसने कहा, कौसर ने कहा, तो उनको भी ज़रा छेड़ रही थी कि अगर मैं डराती तो, वो भी जाग रही थी यार, वो भी मतलब नींद पूरी करके किचन में आई हुई थी पानी शानी पीने के लिए, जाग रही थी कौसर भी। खैर, उसके बाद जो है साजिद साहब को जो डराने के लिए गए तो वो तो जनाब डरे ही नहीं है, उसने कहा ये प्लान फ्लॉप हो गया आपका, मैं नहीं डरता। उसके बाद जो है अनीता और रमज़ान के पास गई हैं, जो इस बात को भी लेके लोग ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन वो साजिद को कह के ज़रूर गई हैं कि क्या ठंडा रिएक्शन दिया तुमने, मज़ा नहीं आया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, काफ़ी जो रिएक्शनिस्ट हैं जो सोशलॉजी और उन पे देते हैं रिएक्शन, क्या नाम है डक्की का,
जो टक्की और सिस्ट्रोलॉजी वगैरह पे रिएक्शन देते हैं ना जो लोग, तो वो जो है चीज़ें पकड़ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, उनके बहुत बिग बिग चैनल हैं और बड़े तरीके से वो रोस्ट भी कर रहे होते हैं, फ़न भी कर रहे होते हैं, मज़ेदार होते हैं, बगैर टीस किए हुए जो है उनके जो है रिएक्शन होते हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कभी कभी मैं सुनती होती हूँ, तो वो भाई चोरियाँ लाजमी पकड़ रहे होते हैं। लेकिन हाँ, रात के टाइम ये जो है, रात वो सुबह हो गई थी जब ये डराने के लिए गई, थोड़ी ज़्यादा रात अंधेरा होता ना फिर जो है डराने का मज़ा आता, लेकिन खैर वो सुबह हो गई थी, दिन चढ़ गया था, तो रमज़ान को जब डराने के लिए गई तो उन्होंने भी ठंडा रिएक्ट किया, बस अनीता की थोड़ी सी निकली औरत है डर गई, उनके तो दिमाग में नहीं होगा कि सितारा आ सकती है हमें डराने के लिए, लेकिन जो है थोड़ी सी वो डरी खैर उसके बाद सितारा ने फौरन ही मास्क उतार दिया कि भाई ये ज़्यादा ना डर जाए, इससे बेहतर है, मतलब उसको डरने भी पूरा नहीं दिया, फौरन से जो है अपना मास्क उतार दिया और कहा मैं हूँ तो भाई वो डरे ही नहीं है ना अनीता ना रमज़ान, बस वो अनीता वाला भी ऐसे ही था, जैसे ही वो करने लगे उसने फौरन मास्क उतारा कि मैं हूँ हंसी मजाक में उन्होंने ये व्लॉग बनाया, और उसके बाद जो है कौशल को बताया कि साजू तो डरा ही नहीं है यार, मैं कहती थी इसको डराऊंगी, ये बंदा कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं नहीं डरता वरता, तो उसके बाद जो है आयत कहती है मामा अब्बू को डराओ ना अब्बू को डरा दो, तो खैर सितारा ने कहा वो नहीं डरते, वो बड़े हैं हमसे, वो नहीं डरते तो हम उनको नहीं डराते, तो इस तरह से जनाब इनका रिएक्शन था, डरने वालों का ठंडा रिएक्शन था, मतलब वो उस तरह से नहीं गया जिस तरह जाना चाहिए था, धासु किस्म का, या तो फेस के ऊपर वो बनाती ना पाउडर शाउडर लगाती हैं, कैटअप करती हैं, वो वाला भी वैसे मज़ेदार होता है, डक्की ने भी मास्क लिए हुए हैं और सिस्ट्रोलॉजी जो है उसने बाकायदा मेकअप किया था डराने वाला कि कैसे मतलब उनके हस्बैंड डरे, तो इस तरह से प्रैंक आजकल ये डराने वाले भी चल रहे हैं जनाब, मार्केट में आए हुए हैं, हम लोगों ने देखे हैं, तो जनाब इनका जो प्रैंक था ये बहुत ठंडा था, या तो सितारा खौफजदा थी, डरी हुई थी कि यार लोग ज़्यादा ना ट्रोल कर दें, तो इससे बेहतर है हौला हाथ करके फिर हल्का फुल्का सा प्रैंक करते हैं, तो इस तरह से इन्होंने प्रैंक किया, तो खैर कोई भी नहीं डरा यार, कोई भी नहीं डरा, हम तो डर जाते हैं ये इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, न्यू लोग जाएँ सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।